A lot of students are scoring more than 300 marks in PSIR optional. This indicates towards the fact that high scores can be achieved in the subject with serious and systematic efforts. Hello everyone, I am Shikiba and today I am going to tell you about PSIR optional, that is Political Science and International Relations. So why should one choose PSIR optional as UPSC mains exam? Let's have a look here for more discussion. Okay, the PSIR optional subject has lots of convergence with GS paper 1 for prelims and for mains GS paper 1 topics based on ideologies like communism, socialism, etc. And GS paper 2, almost the entire syllabus, GS paper 3, internal security and border management, and GS paper 4, thinkers and philosophers, ethical dimension of international relations and international institutions can be prepared by studying PSIR optional subject. Integrating the PSIR optional preparation with overall GS preparation can save a lot of time and efforts for the aspirants. ओके सो बेसिकली हम बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे चूज करते हैं जो कि आपका प्रीलिम्स में भी आता है एंड आपके मेंस सब्जेक्ट में भी आता है, जिससे क्या होता है कि आपकी मोस्टली प्रिपरेशन जो है वो जीएस के प्रीलिम्स एंड मेंस पेपर से हो जाती है. एंड जब आप ऑप्शनल चूज करते हो तो उसमें आपको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जस्ट लाइक रिविजन एंड जस्ट मेन पार्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट. बट PSIR ऑप्शनल आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके सारे GS पेपर कवर हो जाते हैं. लाइक आपका प्रीलिम्स तो कवर होता ही होता है, बट आपके GS पेपर 1, 2, 3, 4 उसमें भी जो आपके सिलेबस होते हैं वो मोस्टली आपके PSIR ऑप्शनल में आते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन पूरी की पूरी, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि 80-85% आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सारे GS पेपर्स एंड प्रीलिम्स पेपर से ही हो जाती है. जैसा कि आपको यहाँ पे टॉपिक्स भी दिया हुआ है कि जीएस पेपर की कौन से पेपर में कौन सी टॉपिक्स पूछी जाती है. फॉर एग्जांपल आपका जैसे दिया है प्रीलिम्स में, तो मानो आपके सिलेबस आते हैं PSIR ऑप्शनल के, बट जीएस पेपर 1 से आपके जो टॉपिक्स आते हैं आइडियोलॉजीज लाइक कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, जो कि आपका PSIR से रिलेटेड है. GS पेपर 2 का आपका ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस, GS पेपर 2 में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो PSIR से रिलेटेड होता है. एंड आपका GS पेपर 3 में आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट है वो भी आपका PSIR से आता है, क्योंकि PSIR में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है. ठीक है, तो जितना भी आपका इंटरनेशनल और नेबरिंग कंट्रीज है उससे जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट होता है, वो सारा भी आपका PSIR का यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है. एंड GS पेपर 4 में भी आपका लाइक थिंकर्स, फिलोसफर्स या एथिकल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी आपका कवर हो जाता है. दैट मीन्स कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपके GS के 1, 2, 3, 4 पेपर्स भी कवर हो जाते हैं, जो कि आपके PSIR ऑप्शनल मेन्स एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट, PSIR is a dynamic subject with huge contemporary relevance. This makes it a very interesting optional subject. Aspirants can engage with the subject for a very long time, enriching their understanding of international relations, IR and governance. Number of selections with PSIR optional in the last 5 years has been very high. The success stories of toppers from the PSIR optional subject reinforce its ability to perform well. A lot of students are scoring more than 300 marks in PSIR optional. This indicates towards the fact that high scores can be achieved in the subject with serious and systematic efforts. Okay, so आपका जो PSIR का subject है ये काफी आपका dynamic subject होता है and ये काफी आपका interesting optional होता है जो aspirants है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को long time तक इससे engage कर सकते हैं. and day by day आपके जो newspaper या current affairs से भी आपकी news आती है, mostly आपके political science से, international relations से होती है, तो उससे बच्चे अपने आप को long time तक engage कर देते हैं. ठीक है, day by day updation भी होती है उनके पास. एंड
इसके साथ साथ हम 5 years का अगर हम लास्ट सक्सेस रेट देखते हैं तो आपको याद होगा टीना दाबी, उन्होंने जिनकी रैंक फर्स्ट आई थी 2015 अटेम्प्ट में, उनका भी जो ऑप्शनल था वो PSIR ऑप्शनल था। एंड उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो PSIR ऑप्शनल ऑप्ट करने लगे। एंड अगर अभी आप देखोगे तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके आपका टोटल जो ऑप्शनल का होता है स्कोर वो आपका 500 होता है, 250 फॉर पेपर वन एंड 250 फॉर पेपर टू। तो टोटल आपका जो मार्क्स होता है वो 500 मार्क्स होता है, बट आप देखोगे जो बच्चे PSIR ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं उनके मोस्टली जो है 300 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लेते हैं इन योर PSIR ऑप्शनल। सो PSIR ऑप्शनल जो है वो आजकल स्टूडेंट्स का फेवरेट ऑप्शनल बन चुका है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका PSIR ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट, ओके, हाउ टू प्रिपेयर PSIR ऑप्शनल फॉर UPSC CSE। ओके, अब PSIR ऑप्शनल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे इसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स बताती हूँ। लाइक एनालाइज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सिलेबस एंड प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस कैन ऑफर इनसाइट्स इनटू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि आप सिलेबस देखो, जो भी ऑप्शनल आप चूज करते हो, इधर PSIR और एनी अदर ऑप्शनल, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेटेजाइज प्रिपरेशन फॉर ओवरलैपिंग एरियाज विद GS पेपर्स, अ बैलेंस स्ट्रेटजी फॉर द PSIR ऑप्शनल एज वेल एज द GS पेपर्स कैन हेल्प इन इफिशियंट प्रिपरेशन एंड रिविजन। एंड आप ये चीज़ ज़रूर देखो कि आपका जो ऑप्शनल है वो प्रिलिम्स और GS से कितना ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। आप जब भी ऑप्शनल चूज करो तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि अगर आपका ऑप्शनल जो है मोस्टली आपका प्रिलिम्स और GS के मेंस पेपर में कवर हो जाता है तो आपके लिए वो ऑप्शनल ज़्यादा इजी होता है आपको प्रिपेयर करने में, क्योंकि ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट्स या उसकी जो भी डिफिनीशन टर्म्स एंड डिफिनीशन है वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड PSIR तो आपका GS 1, 2, 3, 4 एंड प्रिलिम्स में भी पूछा जाता है, सो इट विल मेक यू ईजियर in your preparation. Next, answer writing practice, practicing different themes of answer writing with an emphasis on interlinking of various sections of syllabus can fetch extra marks in actual examination. Adding contemporary examples from current affairs and practicing maps for IR can enhance the aspirant's answers. Okay. अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, ऑप्शनल को लेके आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हो, क्या आपके स्टडी मटेरियल्स होंगे, किस तरह से आप पढ़ोगे। ठीक है, अब IR आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसमें आपका जो करंट अफेयर्स होता है डेली, आपका द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आपके करंट अफेयर्स में भी काफ़ी कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ दी जाती है। एंड इसके साथ साथ आपका जो मैप प्रैक्टिस से वो भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ है या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, जो भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो किस तरह से उसका क्या मैपिंग होगा। ठीक है, इससे आप जब आंसर लिखोगे तो वो काफ़ी आपका आंसर अच्छा होगा। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है विद द प्रैक्टिस ऑफ मैप। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग। शॉर्ट नोट्स फॉर कीवर्ड्स कैन हेल्प इन रिकॉलिंग द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपको कितना भी आता है, आप कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, कितने भी टॉपर हो, बट अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया है, आपने अपने आंसर को कंसाइज मैनर में अच्छे से नहीं लिखा है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ की रोल ऑन योर प्रिपरेशन। The total number of selected candidates in UPSC CSE 2022, 114 had opted for PSIR as their optional subject for UPSC CSE mains. Among these, a lot of candidates have scored more than 280 marks, which in turn has boosted their overall mains performance. Okay, तो ये 2022 का एक result है जिसमें 114 बच्चों ने students ने PSIR optional choose किया था। एंड जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स के आप कह सकते हो मोस्टली कैंडिडेट्स ने 280 मार्क्स सिक्योर किए थे। ठीक है, सो ये रहा हमारा PSIR ऑप्शनल को लेके कुछ टिप्स एंड टर्म्स दिए हुए हैं, होपफुली आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।